हमारे भारत देश में हर घर में जो है दीपक जलाया जाता है। दीप जलाने के लिए जो है रुई बाती का जो है उपयोग किया जाता है। ऐसे में रुई बत्ती बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाए तो बेहतरीन जो है मुनाफा कमाया जा सकता है। रोजगार जीविका या रोजगार कह लीजिए वो स्टार्टअप किया जा सकता है। रुई बत्ती बिजनेस जो है सामान्यतः जो है महिलाएं स्टार्ट करती है। सो ये बिजनेस, ये वीडियो जो है महिलाओं के लिए काफ़ी खास होने वाली है। खास बात ये है कि 15,000 से 20,000 रुपए के रेंज में, यानी कि आप एक मामूली सा एंड्रॉयड फ़ोन अगर अभी परचेज करने जाइएगा तो 20,000 से कम का तो आता ही नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। और 20,000 रुपए में पार्ट टाइम में अगर एक मशीन को लेकर के अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कितना अर्निंग होता है, वो कौन सा मशीन है, कितने प्रकार की मशीनें आती है रुई बत्ती बनाने के लिए, इन तरीकों का जो है जानकारी लोगों के पास नहीं होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि रुई बत्ती का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस कौन कितने टाइप की मशीन और मटेरियल आती है, जगह और बिजली कितना चाहिए, उसे चलाना कैसे है और साथ में कमाई कितनी होगी और मशीन आप कहां से परचेज कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 5 पॉइंट के अंदर आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि रुई बाती का जो बिजनेस है वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रुई बत्ती को बनाने के लिए कितनी टाइप की मशीनें आती है और उस मशीन का क्या प्राइस है और साथ ही वो मशीन ऑपरेट कैसे होता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रुई बत्ती बिजनेस के लिए प्रॉपर मात्रा में हमें जगह कितना चाहिए और बिजली कैसा चाहिए। क्या घर में टीवी फ्रिज जो है चलाते हैं उस बिजली से चल जाएगा, तो बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन चलाने का तरीका क्या है इस चीज़ का डिस्कशन मैं दूसरे पॉइंट में करूँगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें पता चल गया कि मशीन कितने टाइप का है और उसमें से कौन मशीन लेना है, उसके बाद मटेरियल के बारे में पता चल गया, जगह बिजली के बारे में पता चल गया, तब हम देखेंगे कि हमें कुल लागत कितना लग रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन में कितना लागत लग रहा है, मैनुअल मशीन में कितना लागत लग रहा है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है अर्निंग, यानी कि कमाई कितनी होगी और मार्केटिंग का क्या तरीका है, तो ये जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन, यानी मशीनों को कैसे परचेज कर सकते हैं, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं पाँचवें पॉइंट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन। देखिए रुई बत्ती बनाने वाली जो मशीनें आती है वो सामान्यतः 3 प्रकार की आती है। फर्स्ट है लॉन्ग कॉटन बिक, यानी लंबा बत्ती बनाने वाला मशीन। दूसरा है राउंड कॉटन बिक्स मशीन, यानी जो गोल बत्ती होता है वो बनाने वाला मशीन। तीसरा है लॉन्ग कॉटन बिक्स ऑटोमेटिक मशीन, यानी कि जो लॉन्ग कॉटन बिक्स होता है उसका ऑटोमेटिक मशीन। और चौथा है राउंड कॉटन बिक्स ऑटोमेटिक मशीन, यानी गोल बनाने वाला जो है ऑटोमेटिक मशीन। तो 2 टाइप का आता है। पहला जो है हमारा लॉन्ग कॉटन बिक्स मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हाथ से जो है रुई को रखना पड़ता है और उसके बाद मशीन जो है राउंड में जो है लॉन्ग लंबा बत्ती बनाकर उस तरफ निकाल देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और इसी में आता है जो एक राउंड कॉटन बिक्स मशीन जो गोल बत्ती बनाता है, जो इस प्रकार का मशीन आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, हाथ से रुई लगाया जाता है, गोल बत्ती बना लिया जाता है। तीसरा है कॉटन बिक्स, मतलब लॉन्ग कॉटन बिक्स ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें रुई बंडल का जो आता है रोल आता है, रोल कहने का मतलब कि इसका लड़ी आता है, उस लड़ी को ऑटोमेटिक मशीन में लगा दिया जाता है और वो मशीन ऑटोमेटिक लड़ी को खींच खींच कर और लंबा बत्ती बना देता है। उसी प्रकार का राउंड वाला में भी जो है लड़ी वाला आता है ऑटोमेटिक मशीन में, तो कर क्या किया जाता है,
कि उसमें भी लड़ी को लगा दिया जाता है और राउंड वाला बन जाता है। तो इसमें आप दो प्रकार का देखें, एक लंबा बत्ती बनाने वाला, एक राउंड बत्ती, मतलब दोनों का है, सेमी मोड और ऑटो मोड, दोनों मोड बताया, चार प्रकार का मशीन हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि लेना कौन है। देखिए, अगर लॉन्ग वाला या राउंड वाला सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो ये आपको 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये के रेंज में आ जाएगा। वही अगर लॉन्ग और राउंड वाला ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो ये दोनों मशीन का प्राइस जो है आपका ये 30,000 रुपये से लेके 36,500 रुपये के रेंज में आ जाएगा। तो मैं मशीन के बारे में भी बता दिया, प्राइस भी बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सब मशीन जो है ना, घर के कोने में, किसी बेडरूम में या फिर अलमीरा में, यानी बहुत ही कम जगहों पे, एक कुर्सी या टेबल पर भी इसको रख के आप वर्क कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए बड़ा चाहिए। मैं बताया था कि एंड्रॉयड फ़ोन के रेट में ये आ जाता है और इसके लिए कोई खर्चा ही नहीं है, ना सेट बनवाना है, ना बिजली लेना है। मतलब इसमें जो है 0.25 HP का जो है मोटर रहता है, जो कि फ्रिज से भी कम जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ये चलता है। घर के किसी भी कोना में लगा लीजिए और काम चालू कर दीजिए। तो स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ गया कि कुछ खास स्पेस इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट समझिए, अगर आपको लॉन्ग वाली बत्ती बनानी है तो लॉन्ग वाली बत्ती में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर मैनुअल मशीन से स्टार्ट करते हैं तो 20,000 का मशीन और 5,000 का रॉ मटेरियल, यानी 25,000 रुपया में आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही ऑटोमेटिक से स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक में मान लीजिए 32,000 का मशीन और 3,000 का रॉ मटेरियल, यानी 35,000 रुपया में स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक से, और मैनुअल में आपको 20,000 से 25,000 रुपया में स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम राउंड वाला में भी है, अगर राउंड बत्ती आपको बनाना है तो आपको मैनुअल से स्टार्ट कीजिएगा तो 20,000 से 25,000 के रेंज में स्टार्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक मशीन से स्टार्ट कीजिएगा तो वो आपको जो है 35,000 से लेकर 40,000 के रेंज में स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोनों मशीन रखिएगा तो दोनों मशीन मैनुअल ले लीजिए, आपको 40,000 रुपया के रेंज में दोनों मशीन आ जाएगा और आपका दोनों तरह का रुई बत्ती बनेगा। अब इसमें आप लोगों का सवाल हुआ कि भाई रुई बत्ती को हम पैकिंग कैसे करेंगे, तो पैकिंग करने के लिए 1500 का भी मशीन आता है, 20,000 का भी आता है, जिसको बोलते हैं हम बैंड सीलर मशीन। तो नया में आप 1500 वाला, 2000 वाला भी ले सकते हैं, या फिर बेहतर पैकेजिंग के लिए बैंड सीलर मशीन इस प्रकार का ले सकते हैं। तो ये सभी मशीन जो है आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज में प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका नंबर जो है वीडियो स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग प्लस इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अर्निंग। अब अर्निंग समझिए, देखिए अर्निंग होता है इसके रुई पे। मान लीजिए कोई भी रुई खरीदे आप, देखिए अर्निंग की बात की जाए तो इसका जो कॉटन आता है वो 350 रुपये से लेके 400 रुपये तक आता है, 450 रुपये, अलग अलग कॉटन का अलग अलग प्राइस है। और उस एक किलो में आप लगभग जो है, अगर लॉन्ग वाली बनाते हैं तो लगभग 1,000 से 2,000 पीस से ऊपर जो है, 2,000-3,000 से पीस से ऊपर बन जाती है। और जाहिर सी बात है 350 रुपया लगा के, अब एक छोटा सा पैकेट आप दुकान में ख़रीदने जाते तो 5 रुपया का मिलता है और 10 ग्राम भी वजन नहीं रहता, तो इससे अंदाज़ा ले लीजिए, यानी 50 से 55% तक का जो है इसमें मुनाफा होता है। देखने में तो ये बिजनेस छोटा लगता है, लेकिन अगर घर की महिलाएं पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करते हैं तो धीरे धीरे जो है इसमें वो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिस्क नहीं है। अब भाई बिजनेस अगर नहीं चला तो इसमें कोई बहुत 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया तो नहीं लग गया है, जो कि डूब गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यही चीज़ है, इसमें रिस्क कम है और मुनाफा ज़्यादा है। और मेहनत अगर किया जाए तो एक मशीन से 10 मशीन लगा के बड़ा प्लांट तक पहुंचा जा सकता है। तो यही अर्निंग है। अर्निंग के बारे में अगर आप लोग बोलिएगा तो अगली वीडियो में मैं और बेहतर तरीके से बता दूंगा। लास्ट हमारा है हाउ टू बाई मशीन। देखिए, मशीन को परचेज करने के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लघु उद्योग की छोटी बड़ी बहुत सारी मशीनें आपको मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद मशीन परचेज कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रुई बत्ती बिजनेस जो है
वो रुई बत्ती बिजनेस स्टार्टअप करने का प्रोसेस बताया हूँ। अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं या फिर इस तरीके का अनेकों प्रकार के जैसे मसाला प्लांट, पेपर प्लेट प्लांट, कुरकुरे का प्लांट, इस तरीके का जो है लघु उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पर आपको हर तरीके का जो है मशीन मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा और आप अपने रोज़गार को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे रोज़गार को स्टार्ट करके ही जो है आप बड़े पैमाने तक पहुंच जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कम पूंजी है और कम पूंजी में जो है अगर बिना जानकारी लिए हुए रिक्स ले लेते हैं तो वो पूंजी तो चला जाएगा, मशीन बेचने वाले का तो मशीन बिक जाएगा, लेकिन आपका पूंजी जो अगर बिना जानकारी लिए हुए अगर करते हैं बिजनेस तो आप फेल हो सकते हैं। सो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कीजिए, बेस्ट मशीन और बेस्ट ट्रेनिंग के साथ आपको स्टार्टअप करवाया जाएगा और आप सफल जरूर होइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।